This lesson is based on the script of an Urdu classical movie, Mughal-e-Azam. You can find the movie on YouTube. I have tried to present literal translation of a part of the script as far as accuracy allows. First, I have given a script of the film and its translation simultaneously, and later on only the Urdu script. I hope the effort will help you attaining proficiency in Urdu. Mughal-e-Azam. Mughal-e-Azam. Main Hindustan hoon. I am India. Himalaya meri sarhad ka nigehban hai. The Himalayas guard my boundaries. Ganga meri pavitrata ki saugandh. The Ganga is the witness to my chastity. Tariq ki ibtada se main, with the beginning of history, andheron aur ujalon ka saathi hoon. I have been a friend of darkness and light. Aur meri khaak par and on my soil, sang marmar ki chadar mein, draped in marble sheets, lipti hui ye imaratein, these edifices. दुनिया से कह रही हैं टेल द वर्ल्ड दैट जालिमों ने मुझे लूटा टिरेंट्स रॉब्ड मी और मेहरबानों ने मुझे संवारा एंड वेल विशर्स एडॉर्न्ड मी नादानों ने मुझे जंजीरें पहना दी फूल्स चेन्ड मी और मेरे चाहने वालों ने एंड माय लवर्स उन्हें काट फेंका कट द चेन्स ऑफ मेरे इन चाहने वालों में एंड एमंग माय दोज लवर्स एक इंसान का नाम अ मैन वाज नेम्ड जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अकबर ने मुझे प्यार किया अकबर लव्ड मी मजहब और रस्म रवायात की दीवार से बुलंद होकर स्टैंडिंग हाई अबाउट द डिविजन्स ऑफ रिलीजन एंड ट्रेडिशंस इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया ही टॉट पीपल टू लव वन अनदर और हमेशा के लिए एंड फॉर एवर मुझे सीने से लगा लिया ही हेल्ड मी इन एम्ब्रेस ये शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का महल है This is the palace of Emperor Jalaluddin Muhammad Akbar. Aur ab iske and now in its daru diwar mein every nook and cranny guzre hue dinon ke kuch afsane rehte hain live some stories of bygone days aaj se 380 baras pehle 380 years back from now, इस अजीम शान महल के आराम और आसाइशों से दूर far from the comforts of this splendid palace, धूप और गर्मी से तपते हुए इस रेगिस्तान में in this scorching desert, अंगारों की मानिंद जलती हुई रेत पर on the burning sand, ये नंगे पांव चलने वाला walking barefoot, तन्हा इंसान the lonely man, अकबर-ए-आज़म है, is Akbar the Great. Learn Urdu through Mughal-e-Azam. इस सीरीज का मकसद हमारा आपको उर्दू पढ़ने की मशक करना और उर्दू के अल्फाज बतलाना है ये सीरीज़ उन लोगों के लिए हैं जो उर्दू पहले से ही लिखना पढ़ना जानते हैं तो आइए शुरू करते हैं मुग़ल-ए-आज़म मैं हिंदुस्तान हूँ हिमालय मेरी सरहद का निगहबान है
गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध, तारीख की इब्तदा से मैं अंधेरों और उजालों का साथी हूँ, और मेरी खाक पर संगमरमर की चादरों में लिपटी हुई ये इमारतें दुनिया से कह रही हैं कि जालिमों ने मुझे लूटा और मेहरबानों ने मुझे संवारा, नादानों ने मुझे जंजीरें पहना दी और मेरे चाहने वालों ने उन्हें काट फेंका। मेरे इन चाहने वालों में एक इंसान का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर ने मुझसे प्यार किया, मजहब और रस्म रवायत की दीवार से बुलंद होकर इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया और हमेशा के लिए मुझे सीने से लगा लिया। ये शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का महल है और अब इसके दरो दीवार में गुजरे हुए दिनों के कुछ अफसाने रहते हैं। आज से 380 बरस पहले इस अजीमुशान महल के आराम और आसाइशों से दूर धूप और गर्मी से तपते हुए इस रेगिस्तान में अंगारों की मानिंद जलती हुई रेत पर ये नंगे पांव चलने वाला तन्हा इंसान अकबर आजम है।